नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ नीलम अग्रवाल। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। जैसे कि ये सीरीज़ मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ पे कर रही हूँ, उनसे रिलेटेड टिप्स दे रही हूँ, उन्हें कंसीव कैसे करना है, अगर उन्हें वास्तु की कोई इशू आ रहा है उनके घर में, तो मैंने आपको ये अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है। सो आज मैं आपको उसी सीरीज़ में आगे बताऊंगी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए जो जिससे कि उसके आने वाला बेबी उतना ही हष्ट और पुष्ट हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसे खुश रहना है, उसे बाहर के जंक फूड नहीं खाने। अगर जंक फूड खाएंगे तो आपके बच्चों में यू नो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है ना। आपको खूब सारा आयरन रिलेटेड खाना खाना है, यू नो आपको खूब सारे फ्रूट खाने हैं जिसमें आयरन होता है। आपको सैलेड खाना है ताकि आपका यू नो डाइजेशन अच्छा रहे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। आपको दूध पीना है, दूध में बादाम डालना है, आपको भीगे हुए बादाम खाने हैं, आपको आंवला खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं या जब बेबी को बर्थ देते हैं ना, उनके बाल झड़ते हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर अ टाइमिंग। क्योंकि हमारे यू नो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, यू नो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। यू नो आपको नारियल खाना है, नारियल विद मिश्री। यू नो नारियल विद मिश्री खाने से क्या होता है, नारियल विद मिश्री खाने से जो लेबर पेन होते हैं वो 30% कम हो जाते हैं और वो आपको और आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। आपको वाइट मक्खन खाना है जो दिमाग तेज करता है, जो पेंस नहीं करने देता। आपको घी खाना है, आपको गाय का घी स्पेशली खाना है जो दिमाग बहुत तेज करता है। आपको बहुत अच्छे अच्छे यू नो सॉन्ग सुनने हैं। आपको कृष्णा की फ़ोटो देखनी है अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सुंदर हो। यू नो आपको कृष्णा रिलेटेड ही भजन सुनो और आप बहुत खुश रहो, आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रहे, आपके थॉट्स पॉजिटिव रखो, आप अच्छा अच्छा सोचो तो सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो। तो दीज आर द सम यू नो बेसिक टिप्स जो सबको फॉलो करना चाहिए। और एक और चीज़, अगर कोई भी ना कंसीव किसी ने कर लिया है और उसका फर्स्ट सेकेंड मंथ है या थर्ड मंथ है, तो उसे पालक और पपीता नहीं खाना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अबॉर्शन की तरफ ले जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करें फॉर कंप्लीट यू नो 9 months, आप पालक और पपीता ना खाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर कंसल्टेंसी। माई नंबर इज़ 1-9-8-1-0-0-5-2-4-1। थैंक यू एवरीवन।